अरे मैंने कुंडली में जो भी देखा है उस सच बात को बोल रहा हूँ, और सच बोलने की वजह से आदमी मुझे मार रहा है। कुंडली देखने के नाम पे लोगों को पागल बनाता है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। भाड़ में गया तेरा सच। अरे कुंडली देखने के नाम पर मुझे अपनी बीबी को मारने की बात बोल रहा है तू। झूठ बोलता है तू। पता नहीं कहां से आ जाते सारे पागल तू यार। अरे तुम मुंह बंद करो अपना। तुम्हारे और हमारे बीच में सिर्फ एक ही फर्क है, तुम चोर नहीं हो। किस किस को कुंडली देखनी है? किस किस को कुंडली देखनी है? आओ बैठो, कुंडली देखता हूँ मैं। मेरी बात सुनो, तुम्हारे भविष्य के बारे में भी मैं बता सकता हूँ। तुम्हारी शादी हो गई क्या, ये सारा डिटेल्स मुझे पहले ही बता देना। फिर बाद में अगर जो तुमने मेरी कुंडलियों में कमी निकाला तो समझ लेना तेरा नाम क्या है। मेरा नाम है चक्रबानी। चक्रबानी तुम्हारा काम क्या है? मेरा काम है कुंडली देखने का। तुम कहो तो तुम्हारी कुंडली देख सकता हूँ मैं। मैं जानता हूँ मेरा चेहरा चोर जैसा दिखता है। सही कहा, चेहरा मन को दर्शाता है और दिल अपने बाहर को दर्शाता है। तुम्हारा लक्षण बस ऐसा ही है। फिर भी हम दोनों के चेहरे में लक्षण एक ही हिसाब से कैसे आया? बाप रे, चोर कहीं के प्यारे। इधर आ, हाँ इधर। अरे अरे रुक रुक, हाँ ये काम बता दो, इधर आ, इधर आ। मैं कब से तुझे ही ढूंढ रहा था यहाँ पे। अगर हम दोनों एक हो जाए ना तो यहाँ पे बाकी जोशियों की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। हम दोनों का आधा आधा तो मार खाएंगे, उसमें भी आधा आधा कर लेने का मंजूर है। चलो चलते। मेरा तोता कभी झूठ नहीं बोलता है। वो तो ठीक है, लेकिन वो सच भी नहीं बताता है। तोते को तो बोलना भी नहीं आता है ना। हाँ पैसे रखो, कौवे की तरह सच बोलती हूँ मैं बेटा। मेरे पास केवल 7 रुपए हैं, सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है। चाय के लिए 1 रुपए रख लेता हूँ और बाकी 6 देता हूँ, चलेगा? 5 रुपए चलेगा। वैसे देखा जाए तो बहुत कुछ बोलना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए अभी वक्त नहीं है। बस एक बात बोलूंगी, तुम यहाँ से मत जाना। तुम्हारा अच्छा वक्त इस मंदिर के खुलने से शुरू होने वाला है। आ जाओ भाई आ जाओ, एक अचार एक अचार एक अचार। आ जाओ भाई आ जाओ, एक लगाओ चार ले जाओ। एक अचार एक अचार एक अचार, 4 का 8, 8 का 16। चलो आ जाओ, एक अचार 4 का 8, 8 का 16। चलो आ जाओ आ जाओ। आओ देखो, बाहर रखने वाली चीजें, अंदर मैं लकड़ी रखता हूँ। आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8। आ जाओ भाई आ जाओ, हाँ 8 का 16। ये देखो ये कंपनी का हो गया। आ जाओ भाई आ जाओ। ए क्या तमाशा देख रहा है, चल निकल यहाँ से। अरे जब खेलना नहीं तो मैं बैठे क्यों, चलो निकलो यहाँ से। मेरे पास जाओ भाई आ जाओ। क्या डबल मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आप खेलिए, 1 का 4, 4 का 8, 8 का 16। 2 रुपए मैंने इडली और चाय पीने के लिए रखे थे। हाँ बिल्कुल मिलेगा ना भाई, आप खेलो तो एक बार। 1 का 4, 4 का 8 और 8 का 16 मिलेगा। आओ भाई आओ, अगर नहीं मिला तो मुझ पर इल्जाम नहीं लगाने का। रखो भाई रखो, रखो भाई, कभी भी रख सकता है, कभी भी रख सकता है। अब फिर मैं जीत गया, ये पैसा कंपनी का हो गया। आ जाओ खेलो। 1 का 4, 4 का 8। अरे 2 रखने से 4 मिलेगा ना। मेरे पास नहीं है पैसा। पैसा नहीं है ना, तो एक काम करो, तुम सीधा उस तालाब में जाओ, तुम वहाँ पे जाके पानी पी लेना और सीधा निकल जाना यहाँ से। हाँ आ जाओ भाई आ जाओ। इडली चाहिए? पक्का चाहिए? देखो वहाँ जो दिख रहा है ना वो चाय की दुकान, वहाँ जाओ और जितना मन करे पेट भर के खा लेना तुम। आ जाओ भाई आ जाओ। नाम क्या आपका? अरे मैं सबके सामने नहीं बता सकता। बेटिंग कुमार। बेटिंग कुमार, मैं जाकर बोलूंगा। हाँ हाँ जाओ जाओ। साला मुझे ही पकड़ के गोल गोल घुमा रहा है। आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ। जाओ राजा जाओ। 5 और 3, 15। अच्छा ठीक है। ए सुन सुन सुन, उस पत्ते को लेकर बाहर फेंक दे। ₹1.40। हाँ एक पैकेट बीड़ी और एक माचिस दे दो। हे रुको जरा, इसे कितना देना है? हाँ 3.50। बेटिंग कुमार के खाते में लिख लो। बेटिंग कुमार का खाता? हाँ। उस नाम का कोई खाता नहीं है हमारे पास। वो सब मैं नहीं जानता, उसके कहने पर ही मैं यहाँ पर खाने के लिए आया हूँ। उसके बाप की जायदाद नहीं है ये दुकान, इज्जत से पैसे देकर जाओ। बेटिंग कुमार बड़ा आया खाता रखने वाला। मेरा पूरा पैसा उसने ले लिया और बोला जितना चाहो उतना खा लो। अरे बाप रे, उस कमबख्त की वजह से मेरा जीना ही मुश्किल हो गया है। वो नालायक वहाँ बैठकर जो मनमानी दिखा रहा है ना, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। कुछ भी हो तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। चलो अंदर चलो। अरे जाता हूँ। अंदर चल अंदर चल अंदर चल अंदर चल। अरे ना अंदर चल अंदर चल। अरे कहाँ ले जा रहा हूँ, छोड़ दो। अरे चल छोड़ दो मुझे। चल भाग।
बात है, शुरू हो गई तुम्हारी नौकरी। अरे रो क्यों रहे हो तुम बेचारा? वैसे भी तुम रो रहे हो ना, थोड़ा झुक कर रहो। तुम्हारे आंसू का पानी उस आटे में गिरने मत दो, कम से कम नमक का तो फायदा होगा। पीसो पीसो, अच्छे से पीसो, नमक कम है। कल फूल नहीं खरीदा, मुझे माफ कर दो, मेरे पास चेंज नहीं था, 100 का नोट था, अभी 2 फूल दे दो, ये लो 50 पैसे। तो काफी है। वैसे ये जो फूल को रखने के लिए मेरे पास जगह भी नहीं है। कार में रख सकते हो, मंदिर में रख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। उसके लिए तो इतना ही फूल काफी है, बस ऐसे ही मैं दाम पूछा था। फूल खरीदे बिना गया था, वो सोचकर दुख हो रहा था मुझे, इसी कारण मैंने तुमसे पूछ लिया। जिनके पास कार है उन लोगों को 80 पैसे में क्या तकलीफ है? वो ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन 100 की गड्डी को लेकर किसी से छुट्टा मांगेंगे तो चिल्लर पैसे कौन देगा आजकल, इसीलिए बोला था। इतने सारे पैसे कहाँ से आए? वो मैं धंधा करके कमाता हूँ। ऐसा क्या धंधा करते हो? वो इलायची है ना, मैं वो इलायची लोडिंग का धंधा करता हूँ। ओ बातों बातों में याद आया कि इलायची की 2 गाड़ियाँ भेजना है, मैं जाके आता हूँ। हाँ ठीक है, अपना ध्यान रखना। मैं अपनी बीवी की खातिर मैं आज मर जाऊंगा, मेरी लाश मिलने के बाद सब लोग जोर जोर से रोएंगे और मैं ऊपर से देखकर तुम लोगों के ऊपर हंसूंगा। अरे साहब जी रुकिए, रुक जाइए। छोड़ो। नहीं नहीं साहब जी, छोड़ो मुझे, मुझे मर जाने दो। सुनो सुनो, अब मुझे इस दुनिया में नहीं रहना, मैं बहुत बदनसीब हूँ, मैं महापापी हूँ। देखो ऐसा मत करो, उसकी वजह से ही मेरी बीवी है जो मुझे छोड़कर किसी और से प्यार करने लगी है, वो मुझे मर जाने दो। ऐसा हुआ क्या? मैंने बहुत सोचा, मैंने बहुत दिन तक सोचा, अब मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैं अब इंसाफ करके ही रहूंगा। आज मेरा ये इंसाफ सुनने के लिए तुम तो हो जिसे मैं सारी बात बता सकता हूँ। चलो आज तुम मेरे घर चलोगे। देखा तुमने, ये मेरा खुद का घर है, सपनों का घर। ये है क्या? अरे तुम चिंता मत करो, आज हाँ आ जाओ मेरे साथ। सर पकड़ लिया, पीछे से पकड़ लिया। छोड़ो छोड़ो मुझे, अरे भाई छोड़ो मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुनो ये मेरा प्यारा सा डाइनिंग रूम है। डाइनिंग रूम नहीं, वो देखो वो है हमारा डाइनिंग रूम। नहीं हाँ हाँ, और ये है